एवरी वन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल ऑडियो डॉक्टर एक हजार दो सौ इक्यासी टू एक हजार दो सौ नब्बे अदिति के पीछे चल रही छोटी काली बिल्ली ने जून वु याओं को शोकपूर्वक देखा किसी कारण से वह खुद को रोक नहीं सका लेकिन अचानक महसूस हुआ कि महान दानव भगवान को उसकी मालकिन द्वारा बेरहमी से छेड़ा जा रहा था वो एहसास था सचमुच उत्तम अदिति जून जियान का पता लगाने में कामयाब रही और उसने जो चीज़ें पिछले कुछ दिनों में लिखी थी उन्हें जून जियान के हाथों में सौंप दिया पिछले कुछ दिनों में जून जियान के पास एक भी फ़ुर्सत का क्षण नहीं था अदिति कोंडोर देश से जो मुआवजा लेकर आई थी उससे पूरे क्यूई साम्राज्य में सनसनी फैल गई थी मोकयान युआन ने जल्दी से इंपीरियल स्टडी में सभी अदालत के अधिकारियों को इस मामले पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया कि वे कोंडोर देश की वसीयत को कुशलतापूर्वक कैसे अवशोषित कर सकते हैं क्योंकि उस समय क्यूई साम्राज्य के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही था चूंकि यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण मामला था जून जियान किसी अन्य मुद्दे को संभालने के लिए खुद को बाहर निकालने में सक्षम नहीं था और रुई लिन सेना के सभी मामले जून किंग पर आ गए थे यह क्या है जून जियान ने मुस्कुराहट के साथ पूछते हुए अदिति द्वारा लाई गई चीजों को देखा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना व्यस्त था एक बार लिन पैलेस में वापस आने के बाद जून जियान अब सख्त ड्यूक लिन नहीं था बल्कि एक उदार और सौहार्दपूर्ण दादा था दादाजी इन देशों में बैंगनी आत्मा को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है अदिति ने अचानक पूछा जून ज्ञान ने उम्मीद नहीं की थी कि अदिति अचानक इस बारे में बोलेगी लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा बैंगनी आत्मा लोगों के बीच अस्तित्व के शिखर पर है और इसे पाना बेहद दुर्लभ है पिछली शताब्दी के दौरान केवल वेन शिनहान ने हाल ही में बैंगनी आत्मा को प्राप्त किया था आपने अचानक मुझसे इस बारे में क्या पूछा अदिति ने कहा लेकिन अगर इन स्वर्गों के नीचे एक विधि मौजूद है जो नियमित लोगों को बैंगनी आत्मा प्राप्त करने में सक्षम है तो इससे चीजें कैसे बदलेंगी जून जियान आश्चर्यचकित रह गया जब उसने अदिति की ओर आश्चर्य से देखा बैंगनी आत्मा की शक्ति चाहे कहीं भी और जब भी हो हमेशा एक ऐसा मामला होगा जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया होगा जब भी कोई बैंगनी आत्मा प्रकट होती तो यह पूरे देश में हलचल पैदा कर देती और सभी विभिन्न शक्तियां बैंगनी आत्मा को अपने वश में करने का लक्ष्य निर्धारित कर लेती बैंगनी आत्मा को प्राप्त करना हर जगह इतना आसान मामला नहीं था लगभग एक सदी की शांत साधना की आवश्यकता होगी और इसके लिए अविश्वसनीय जन्मजात प्रतिभाओं का होना भी आवश्यक है पर्पल स्पिरिट बनने के लिए चाहे वह उनके जन्मजात उपहार हो या उनके जीवन भर आवश्यक कठोर साधना हो यदि किसी में दोनों में से किसी एक की भी कमी हो तो यह असंभव था इसके अलावा बैंडनी आत्मा तक पहुंचने से पहले भाग्य के एक निश्चित तत्व की आवश्यकता होती थी किसी को पूछना चाहिए इन स्वर्गों के तहत कितनों को विलक्षण व्यक्ति के रूप में ब्रांड किया गया है नामित अद्वितीय और प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी और उन सभी ने अपनी साधना यात्रा के दौरान एक सहज यात्रा का आनंद लिया था लेकिन उनमें से कितने बैंगनी आत्मा तक पहुंचने में सक्षम थे कितनी नील आत्माओं ने उस विभाजन को पाटने में असमर्थ होकर अपने पूरे जीवन का सफर तय किया नील आत्मा बने रहने के लिए कितने लोगों के पंख तोड़ दिए गए कितनों ने शिखर पर उस पद पर, पर चढ़ने और अद्वितीय और पूर्ण क्षति प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था अंत उनमें से कितनों की इच्छाएं पूरी हुई पिछली शताब्दी में केवल एक वेन शिन्ह था उन अनगिनत लोगों के लिए जो असफल हुए हैं उनमें से कितने थे यह एक तथ्य था जिसे कोई भी नहीं जानता था यह कोरी कल्पना जितना ही अच्छा है यदि वास्तव में ऐसी कोई विधि है तो यह झटका निश्चित रूप से पूरे देश में अंत ही उथल पुथल लाएगा जून जियान ने कुछ सोचने के बाद कहा यह सोचकर कि अदिति सिर्फ जिज्ञासावश पूछ रही थी और उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा इसके बजाय अदिति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा दादाजी यह वास्तव में उतना डरावना नहीं है जितना आपने कहा था जो चीजें मैंने अभी तुम्हें दी है उन्हें ध्यान से देखो जून जियान तुरंत अचंभित हो गया उसे समझ नहीं आया कि अदिति किस बारे में बात कर रही है और उसने कागजात का ढेर उठाया जो अदिति ने उसे शुरू से अंत तक प्रत्येक चरित्र को ध्यान से पढ़ने के लिए दिया था और जैसे ही उसने इसे पढ़ा उसने पाया कि उसका दिमाग अचानक घूमने लगा और जिन हाथों में कागज थे वे अनियंत्रित रूप से कांपने लगे बैंगनी आत्मा प्राप्त करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जलाना कैसे यह कैसे संभव है जून शियान की आवाज अविश्वास से भरी फुसफुसाहट जैसी थी क्या इन कागजों में मौजूद ये पात्र उसे बता रहे थे कि बैंगनी आत्मा की शक्तियों को जबरन प्राप्त करने की एक विधि थी हालांकि यह सफ़ेद चरमपत्र पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से लिखा गया था फिर भी जून जियान के लिए इस पर विश्वास करना कठिन था और ठीक उसी क्षण अदिति ने अचानक अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बाहर निकाल दिया अदिति के शरीर पर चकाचौंध कर देने वाली बैंगनी रोशनी तेज चमक के साथ चमक रही थी जून जियान की आंखें चौड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने अपनी आंखों में शुद्ध अविश्वास के साथ अदिति के शरीर के चारों ओर बैंगनी आत्मा की चमक को देखा जब क्यूई साम्राज्य एक संकट में फंस गया था तो उसने जून परिवार के पिता और पुत्र की जोड़ी को पहले ही बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था जब अदिति ने अपनी नीली आत्मा का खुलासा किया था लेकिन उस बैंगनी आत्मा की तुलना में जो वह अभी देख रहा था नीली आत्मा क्या थी यह यह वास्तविक है जून जियान की आवाज़ काम रही थी जब उसने ऐसा कहा अदिति ने अपने शरीर से बाहर निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति को वापस ले लिया और जून जियान की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा यह विधि सीखना वास्तव में उतना कठिन नहीं है और मैं अब यह तकनीक दादाजी को सौंप रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि दादाजी इसका अच्छा उपयोग करें इसे क्यू साम्राज्य के सभी सैनिकों को प्रदान करना मध्य क्षेत्र ने उस प्रभावशाली शक्ति के कारण निचले क्षेत्र पर बार बार हमला किया था और अदिति उन्हें अपने तरीके से ऐसा करने की अनुमति कैसे दे सकती थी यदि निचले क्षेत्र भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए इस पद्धति को अच्छी तरह से समझने में सक्षम थे तो जब मध्य क्षेत्र के लोग आते हैं और निचले क्षेत्र में एक बार फिर से परेशानी पैदा करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं होगा अब उनके लिए यह इतना आसान हो जाएगा यह कहाँ से आया क्या इसे सचमुच कोई नियमित सैनिक उठा सकता है जून शियान की आवाज अनियंत्रित रूप से उत्तेजित हो रही थी यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह कहाँ से आया दादाजी निश्चिंत रहें कि मैंने आपको जो कुछ दिया है उसका उपयोग नियमित लोग कर सकते हैं मैंने पहले ही कार्यप्रणाली और उसमें आवश्यक सभी चीजों के बारे में विस्तार से लिख दिया है मुझे कुछ समय बाद फिर से जाना होगा और मैं चाहता हूं कि दादाजी इसका पूरा उपयोग कर सकें अदिति मध्य क्षेत्र के मुद्दों में नहीं पढ़ना चाहती थी और वह केवल निचले क्षेत्र को खुद को बचाने में सक्षम होने का मौका देने के इरादे से इसे पीछे छोड़ रही थी यह सिर्फ क्यूई साम्राज्य के लिए नहीं था उसने बकवहिट किंगडम और फायर कंट्री वितरित करने के लिए अन्य दो सेट तैयार किए थे हालांकि वह क्यूई साम्राज्य के लिए पैलेस की यंग मिस फायर कंट्री की फायर कंट्री बकवहिट किंगडम बदले में फायर कंट्री से संबद्ध था अदिति को तीनों सहयोगी सेनाओं में से किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला था आपने मुझे जो दिया है वह बहुत कीमती है और हमें इसे अपने सभी लोगों तक फैलाने के लिए बहुत अधिक तैयारी की आवश्यकता होगी लेकिन चिंता मत करो मैं मामले को ठीक से संभाल लूंगा जून जियान ने कहा उसकी आवाज बहुत भावुक थी इस तकनीक से उन्हें अब पर्पल स्पिरिट्स की कमी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी हालांकि ऐसी पर्पल स्पिरिट्स किसी भी तरह से सच्ची पर्पल स्पिरिट्स से तुलनीय नहीं थी लेकिन इस बारे में सोचे अगर एक सेना जो 10 लाख की ताकत वाली थी उसके भीतर के सभी लोग इस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम थे भले ही यह केवल कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो तो क्या बात थी यह शानदार दृश्य होगा उस समय जून जियान उस खून को दबा नहीं सका जो उसके भीतर उत्तेजना से भरा हुआ था इसके बाद जून जियान ने अदिति के साथ थोड़ी देर और बात की और जब तक वह और इंतज़ार नहीं कर सका तब तक वह जून क्विंग को ढूंढने के लिए रुई लिन सेना के मुख्य शिविर में जाने के लिए खुद ही दौड़ पड़ा ऐसे अमूल्य खजाने के साथ इसे समझदारी से लागू करने के लिए कुछ सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होगी अदिति ने जून जियान को वापस जाते हुए देखा और उसके दिल में गर्मजोशी आ गई अपने परिवार के सदस्यों को खुशी देने में सक्षम होने के लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े अंतः इसके लायक होगा उससे निपटने के बाद अदिति ने म्यू चेन को अपना नुस्खा दिया जिससे एक व्यक्ति की शिरोबिंदु चौड़ी हो गई हेवेंस एंड क्लिफ की इस यात्रा के साथ उसे नहीं पता था कि वापस लौटने में कितना समय लगेगा और वह इन सभी मामलों से ठीक से निपटना चाहती थी ताकि वह फिर अपने दिल से आराम से निकल सके किसी के शिरोबिंदु को चौड़ा करने वाले नुस्खे के साथ अदिति चाहती थी कि वो चेन पूरा होने के बाद अमृत को तीन भागों में विभाजित कर दे और क्यूई किंगडम फाया कंट्री बकवीट किंगडम को स्थायी आधार पर निरंतर आपूर्ति प्रदान करे क्योंकि वह चाहती थी कि निचले क्षेत्र को अब मध्य क्षेत्र द्वारा उत्पीड़ित न किया जाए ऐसा होने की कुंजी केवल तभी होगी जब निचले क्षेत्र के लोग स्वयं वास्तव में मजबूत हो जाएंगे अपनी सारी व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद अदिति और उसके साथी अंत अंतता अंधेरे सम्राट की कब्र के रहस्यों का खुलासा करने के लिए स्वर्ग की अंतिम चट्टान के लिए निकल पड़ी हर कोई घोड़ा गाड़ी पर चढ़ गया और क्यूई साम्राज्य के शाही शहर से बाहर निकल गया अदिति जून वु याओं के साथ एक ही गाड़ी में थी और गाड़ी के भीतर लॉर्ड मेहमेह और बलिदानी रक्त खरगोश ने अदिति से करीब से चिपकने के लिए खुद को सिकोड़ लिया जून वु याओं को देखते ही उनकी आंखें सावधानी से भर गई केवल छोटी काली बिल्ली अदिति की बाहों में शांति से लेटी थी लेकिन उसकी आंखों का भाव भी कुछ अजीब था जूनवु याओं भी अदिति को देख रहा था वह सोच रहा था कि हाल ही में उस लड़की को क्या हुआ था क्योंकि वह अचानक एक ऐसी व्यक्ति बन गई थी जिसने उसे पूरी तरह से नुकसान में डाल दिया था जब स्पष्ट और ठंडी आंखों की जोड़ी ने उसकी ओर देखा तो वे मुस्कुराहट से भरे हुए लग रहे थे और सामान्य से अलग नहीं लग रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने जून गुयाओं को यह महसूस कराया कि अदिति अतीत से कुछ हद तक बदल गई है हेवंस एंड क्लिफ पर दोबारा जाने के लिए अदिति और उनके साथियों ने इस बार खुद को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया था हेवंस एंड क्लिफ से पहले का उनका पिछला अनुभव अभी भी उनके दिमाग में ताजा था और इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास नक्शों का पूरा सेट था फिर भी उन्होंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की उस स्थान पर जिसने पहले ही अनगिनत लोगों की जान ले ली थी थोड़ी सी चूक से भी उनकी जान जा सकती थी एक बार जब डार्क सम्राट की कब्र खुल जाती है तो मध्य क्षेत्र निश्चित रूप से कुछ का पता लगाएगा और उस समय निचले क्षेत्र में निश्चित रूप से उनमें से अधिक लोग आएंगे क्या छोटी अदिति ने सोचा है कि आप उससे कैसे निपेंगे वो याओ ने अपने सामने बैठी अदिति को देखते हुए अपनी ठुड्डी को हथेली से पकड़कर बैठे हुए पूछा हालांकि उसे अभी भी महसूस हुआ कि छोटी सी बच्ची में जो बदलाव आया था वह थोड़ा अजीब था लेकिन यह कहना होगा कि उस बदलाव ने साथ ही उसे प्रसन्न भी किया ऐसा लग रहा था कि उनके बीच की दूरी भी अनजाने में उन्हें एक दूसरे के करीब खींच लाई थी अदिति ने हल्का सा सिर हिलाया उस बिंदु पर वह पहले से ही इसके बारे में सोच चुकी थी मध्य क्षेत्र के लोगों ने अंधेरे सम्राट की कब्र की तलाश के लिए बहुत मेहनत की थी और इतना श्रमसाध्य प्रयास किया था कि अंतता कुछ नहीं हुआ यदि वे जानते थे कि डार्क सम्राट की कब्र किसी के द्वारा खोली गई थी तो रहस्योदघाटन का उन पर जो प्रभाव पड़ेगा वह निश्चित रूप से पहले हुई किसी भी चीज से अधिक होगा मेहज जेड का कब्जा ही निर्दोष को अपराधी बना देता है एक बार जब मध्य क्षेत्र के लोगों को पता चला कि वे वही थे जिन्होंने डार्क सम्राट की कब्र खोली थी तो उन्हें जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा जिसकी वे गिनती भी नहीं कर पाएंगे हालांकि बारह महलों के लोग अभी भी डार्क सम्राट की कब्र के सटीक स्थान का पता लगाने में सफल नहीं हुए थे लेकिन वे निश्चित रूप से अपने लोगों के लिए उस जगह को करीब से देखने की व्यवस्था करेंगे जब आप सभी अंधेरे सम्राट की कब्र खोलेंगे तो यह स्वाभाविक रूप से उनकी नजरों से बच नहीं पाएगा इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि इससे पहले कि आप सभी पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ले अंधेरे सम्राट की कब्र को अभी तक न छोड़े जून वु याओं ने कहा उनकी आवाज़ में गंभीरता का भाव था डार्क एम्पर के मकबरे का मध्य क्षेत्र के प्रति किस प्रकार का अनूठा आकर्षण था इसके बारे में सोचने की आवश्यकता के साथ यह स्पष्ट था डार्क सम्राट के मकबरे में मौजूद खजाने को अपने लिए जब्त करने के लिए वे कोई भी कीमत चुकाएंगे और अदिति अपने साथियों के साथ मिलकर मध्य क्षेत्र में सभी का सार्वभौमिक लक्ष्य बन जाएगी अदिति के होंठ कड़े हो गए वह संभवता कैसे नहीं जानती थी कि डार्क सम्राट की कब्र को खोलना और भी बहुत कुछ आने की शुरुआत थी जिस क्षण से उन्होंने डार्क सम्राट की कब्र में पहला कदम रखा इसका मतलब यह भी होगा कि उन्होंने पूरे मध्य क्षेत्र को अपना दुश्मन बनाना चुना होगा यदि उनके पास स्वयं की रक्षा करने की क्षमता नहीं होती भले ही उनके पास डार्क सम्राट की कब्र में मौजूद हर चीज हो तो अंतः मध्य क्षेत्र के लोगों द्वारा यह सब उनसे छीन लिया जाएगा और वे सभी प्रयास जो उन्होंने किए थे अंत सब कुछ दुश्मन के हाथों में सौंप देने में ही समाप्त हो जाएगा मैं अंधेरे सम्राट की कब्र के अंदर बैंगनी आत्मा तक पहुंचने के बारे में सोच रहा था अदिति ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा और उसने जून वु याओ को अटूट आंखों से देखा वह अब एक नीली आत्मा थी और थोड़े समय के भीतर बैंगनी आत्मा तक सफलता हासिल करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा लेकिन मौजूदा स्थिति उसे इस तरह का जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं दे रही थी सब कुछ अभी मुश्किल से शुरू हो रहा था अदिति को न केवल अपनी रक्षा करनी थी बल्कि अपने परिवार के सदस्यों और साथियों की भी रक्षा करनी थी जिनकी वह परवाह करती थी इसके अलावा अदिति ने जून वु याओं की ओर देखा वह जून वु याओं की वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं जानती थी लेकिन वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी कि उसकी पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं थी उनके जैसी शक्ति वाले किसी व्यक्ति के लिए लेकिन उसने निचले दायरे में रहना चुना था यह एक ऐसा बिंदु था जो उसे थोड़ा अजीब लगा उन परिस्थितियों के बारे में सोचते हुए जिनमें वे पहली बार मिले थे उसे अभी भी याद है कि वह शरीर पर बेड़ियों के साथ उस गुफा में कैद था वे कोई सामान्य बेड़िया नहीं थी या जून वु की क्षमताओं के साथ कुछ बेड़िया संभवतः उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने में कैसे सक्षम हो सकती थी उसे उस गुफा में कैद क्यों किया गया था और उसे वहां बंद करने वाला कौन था और कभी कभी गायब होने के दौरान वह क्या कर रहा था अदिति ने पहले कभी उससे इस बारे में नहीं पूछा था और न ही इस पर कोई विचार किया था लेकिन अब वह इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी जून वो याओ के पास कितनी जबरदस्त ताकत थी यह देखने के बाद वह कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि उसे कैद करने में कौन सक्षम हो सकता है हालांकि अदिति को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका दुश्मन कौन हो सकता है लेकिन तभी उसके दिल में एक ख्याल आया शायद एक दिन आएगा जब उसे जून वो याओ की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी शायद एक दिन आएगा जब वह अपने पास आने वाले किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए उसके साथ खड़ी हो सकेगी वह उसकी भी मदद करना चाहता था क्या तुम मुझे इतनी घूर कर क्यों देख रहे हो छोटी अदिति क्या ऐसा हो सकता है कि तुम फिर से मेरे बारे में सोच रही हो जून वु याओ ने अदिति की ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा उसे अच्छा लगता था जब वह उसे इस तरह देखती थी जैसे उसकी दुनिया में सिर्फ वही हो जून वु याओ अदिति के करीब चला गया जब तक कि उनके चेहरे सिर्फ एक उंगली की दूरी पर नहीं रह गए आप मध्य क्षेत्र से हैं अदिति ने अचानक पूछा जून वू याओं की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी और यह दूसरी बार था जब अदिति ने उन दोनों की मुलाकात के बाद से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा था पहली बार ऐसा हुआ था उसने जून परिवार के पिता और पुत्र की जोड़ी की यादों को बदलने के लिए एक अपरंपरागत विधि का इस्तेमाल किया था और जून वु याओं के रूप में अपनी पहचान के साथ लिन पैलेस के भीतर रहा अदिति ने तब भी यही किया था और पूछा था कि वह वास्तव में कौन था लेकिन अदिति उस समय उसे ठंडी और ठंडी आंखों से देख रही थी उसका स्वर तीव्र और कांटेदार था लेकिन आज उसका प्रश्न इसके बजाय पहली से भरा था आप मुझसे अचानक यह बात क्यों पूछ रहे हैं जून वो याओ खुद सीट पर पीछे बैठ गए और अदिति की ओर देखते हुए पूछा उसकी आंखों के भीतर की प्रसन्नता धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उनमें पहले कभी न देखी गई परेशानी का एक निशान दिखाई देने लगा बहुत हल्का और आसानी से पता नहीं चला सिर्फ जानना चाहता हूं अदिति ने खुलकर कहा जून वो याओ ने फिर पूछा क्या छोटी अदिति अचानक सोच रही है कि वह मेरे बारे में और अधिक समझना चाहती है अदिति ने सिर हिलाया जून वु याओं की आंखों के आगे अंधेरा छा गया लेकिन उसने इसे बहुत अच्छे से छिपा लिया जब उसने एक बार फिर अपनी आंखें ऊपर उठाई तो उनमें वही पुरानी चिढ़ाने वाली झलक चमक रही थी मैं पहले कौन था यह महत्वपूर्ण नहीं है आपको केवल यह जानने की आवश्यकता होगी कि जिस क्षण से मैंने लिन पैलेस में कदम रखा मैं जून वु था और अब भी हूं जून वु जिसे आप जानते हैं और यह पर्याप्त होगा कुछ ऐसी बातें थी जिनके बारे में वह नहीं चाहता था कि अदिति को पता चले शायद वह अनिच्छुक था या शायद उसकी हिम्मत नहीं हुई अदिति जिस हाल में है उसकी पहचान जानना उसके लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं होगा बल्कि उसे गंभीर खतरे में डाल देगा मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझसे यह पूछेंगे छोटी अदिति तुम्हारे दिल में क्या मैं किसी अन्य व्यक्ति से अलग हूं जून वो याओ ने पूछा और उसने अदिति के छोटे से हाथ को पकड़ने के लिए अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी गर्म हथेली में लपेट लिया उसका छोटा हाथ बिल्कुल उसके व्यक्तित्व की तरह था छोटा और मुलायम लेकिन अपने अंदर पूरी तरह से अतुलनीय शक्ति रखता था हाँ अदिति ने धीरे से कहा वह तब जानती थी कि वह इस बारे में अधिक बात करने को तैयार नहीं था जबकि वह इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहती थी जून वो याओ फिर मुस्कुराए और इस बार उनकी मुस्कान पहले से अलग थी उसने अपना हाथ बढ़ाया और अदिति को अपने आलिंगन में भर लिया प्यार से अपनी बाह उस खूबसूरत फ्रेम के चारों ओर घुमाई उसका दिल लगभग आनंद से भर गया तो क्या हुआ यदि उसने अतीत में शानदार महिमा हासिल की थी और पूरे क्षेत्र में सर्वोच्च शासन किया था एक क्षण के लिए भी नहीं क्या उसने उस अनुभूति का अनुभव किया था जो वह अभी महसूस कर रहा था जहां उसे महसूस हो रहा था उसके पास पूरी दुनिया की हर चीज थी हर चीज वह सचमुच चाहता था कि समय बस उसी क्षण रुक जाए जून वो याओं की आंखें सिकुड़ गई उनके भीतर एक गहरी ठंडी चमक चमक उठी हेवंस एंड क्लिफ की यात्रा शांतिपूर्ण और घटना रहित थी और आगे बढ़ने के अलावा उन्होंने जो एकमात्र काम किया वह यह था कि वे कभी कभार कुछ आराम के लिए रुकते थे जहां वे घोड़ा गाड़ियों से उतरते थे और आग के पास इकट्ठा होते थे मौसम थोड़ा गर्म हो रहा था जहां हवाएं अब उतनी ठंडी नहीं रह गई थी हालांकि हवा अभी भी थोड़ी ठंडी थी फिर भी यह पहले की तुलना में काफी बेहतर थी यात्रा में अदिति और उसके साथियों के साथ लिटिल जू को भी लाया गया था किसी अज्ञात कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे लड़के ने अदिति पर एक मजबूत निर्भरता विकसित कर ली है और यद्यपि वह दैनिक आधार पर सबसे अधिक बारियत कहता था लेकिन जब भी अदिति उसके सामने आती थी उसकी लाल रंग की आंखें चमक उठती थी बस अदिति की आकृति पर ध्यान केंद्रित हो गया वह एक असुरक्षित छोटे जानवर की तरह लग रही थी जिसे त्याग दिए जाने का डर था हालांकि चूंकि अदिति की गाड़ी पर जून भू ने पहले से ही जबरन कब्जा कर लिया था यहां तक कि लिटिल जू ने भी अपनी मंद जागरूकता के कारण बस में कूदने की हिम्मत नहीं की और उसके पास चू और अन्य लोगों द्वारा ली गई अन्य गाड़ियों को साझा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था लिटिल जू की दूसरी पसंद रोंग रो थी ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह अदिति के साथ नहीं रह पाएगा उसने तुरंत अपने छोटे हाथ रोंग रो की ओर बढ़ा दिए थे और उसे ले जाने के लिए कहा था अंत कहा उसे फीयान ने उठाया और एक तरफ़ रख दिया उसे रोम रो के करीब जाने की जरा भी हिम्मत नहीं हुई इसे अनगिनत बार देखने के बाद जहां लिटिल जू जो रोम रो के करीब आने की कोशिश कर रहा था उसे फी यान ने उठाया जिसने उसे एक बार फिर से एक तरफ जाने के लिए कॉलर पकड़ लिया कि चू जो अभी अभी सामने की गाड़ी से उतरा था खुद की मदद न करे बल्कि जोर से हंसे मैं कहूंगा लिटिल यान क्या तुम्हें सचमुच इसके बारे में इतनी चिंता करने की ज़रूरत है मुझे नहीं लगता कि लिटिल जू का मतलब कोई नुकसान पहुंचाना है और हो सकता है कि वह वास्तव में लिटिल रो को भी पसंद करता हो तुम उससे इस तरह क्यों सावधान रहते हो मानो वह चोर हो चू ने कहा उसका चेहरा उसके द्वारा महसूस की गई खुशी को दबाने में असमर्थ था पूरी यात्रा के दौरान लिटिल जू अदिति और रोम रो रौ से चिपके रहने में दोनों बार विफल होने के बाद उसे फैन जुओं पर छोड़ दिया गया अब जबकि उनके पास कुछ आराम करने के लिए गाड़ी से नीचे आने का यह दुर्लभ अवसर था फी यान अभी भी छोटे साथी से बहुत सावधान थी फेई यान ने कियाओचू को कड़ी नज़र से देखा यदि लिटिल जू सिर्फ एक साधारण बच्चा होता तो उसे वास्तव में इस सब से इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब भी वह बच्चा रोमरो को देखता तो वह हमेशा एक ही शब्द कहता ये बिग ब्रदर ऐसे छोटे राक्षस के खिलाफ जो अपने दांतों से जेर पत्थरों को कुचलने में सक्षम था वह उस छोटे से बच्चे को रोमरो के सामने रखने की हिम्मत कैसे कर सकता था जिसका दिमाग पूरी तरह से ये बिग ब्रदर भरा हुआ था ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए इस घटना में कि उसने उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया और छोटा बच्चा रोमरो को काट लेता है जिस तरह के उसके दांत है वह निश्चित रूप से रोम रोव को उसकी हड्डियों तक काट देगा मुझे आपकी परेशानियों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है फे यान ने किया और लिटिल जू की ओर देखने के लिए अपनी नजर नीचे कर ली जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था छोटा बच्चा डरते डरते उसकी ओर देख रहा था उसकी बड़ी बड़ी आंखें व्यथित और भय से भरी दिख रही थी फे यान के मुंह के किनारे हिल गए छोटा राक्षस बाहर से किसी भी आम बच्चे से अलग नहीं दिखता लेकिन जून वो याओ ने उस दिन पहले ही यह कहा था यदि वे सभी वास्तव में लड़ते तो उनमें से कोई भी यहां इस छोटे से लड़के का मुकाबला नहीं कर पाता हालांकि उसने लिटिल जू को भी दयनीय पाया फिर भी फी यान को अपनी भावी दुल्हन के लिए इस तरह के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा यहाँ आप अच्छे बने और याद रखें कि आपको बिग ब्रदर वो को ढूंढने की अनुमति नहीं है क्या तुम समझ रहे हो फे यान ने अनिच्छा से अपने लबादे के भीतर से एक छोटा बैग निकाला और बैग के भीतर की सामग्री स्पष्ट रूप से बज रही थी लिटिल जू ने अपनी आंखें झपकाई और अंदर झकने के लिए बैग खोला उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं उस थैले के अंदर छोटे बड़े सभी आकार के बिना पॉलिश किए हुए जेड़ पत्थर थे लिटिल जू के लिए जो केवल जेड़ पत्थर के आध्यात्मिक सार के बारे में चिंतित था उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि जेड़ पत्थर कैसे दिखते हैं अपने हाथों में जेड़ पत्थरों का थैला लिए हुए लिटिल जू की आंखों में व्यथित भाव गायब हो गया और वह एक तरफ कूद गया और खाना खाने लगा जब रोम रो ने फी यान की हरकतों को देखा तो वह असहाय होकर देखती रही और अपने दिल में इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ महसूस करते हुए केवल चुपचाप अपना सिर हिला सकी पांच दिन और फिर हम स्वर्ग की अंतिम चट्टान पर पहुंच जाएंगे इस बार हम पहले जैसी निराशाजन स्थिति में नहीं पड़ेंगे आग के चारों ओर बैठे कियाओचू ने बोलते हुए अपनी मुठ्ठी रगड़ी ऐसा लग रहा था कि वह एक बार फिर हेवेंस एंड क्लिफ के नीचे चढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कहा जा सकता है कि हेवेंस एंड क्लिफ के साथ उनके पिछले अनुभव ने उन पर एक अमित छाप छोड़ी थी और वे अब तक इसके बारे में एक भी बात नहीं भूले थे वह स्थान जो उनके सबसे बुरे सपनों के सच होने जैसा था अब पूरे नक्शे के मार्गदर्शन में था उसका असली चेहरा साथियों के सामने आ गया था अंधेरे क्षेत्र वास्तव में मध्य क्षेत्र के नंबर एक के रूप में अपने नाम को कायम रखते हैं तथ्य यह है कि वे इतनी जटिलता के लिए एक मकबरे का निर्माण करने में सक्षम थे यह किसी के लिए भी अकल्पनीय है फैन जुओं ने उस नक्शे को निकालते हुए कहा जिसे उन्होंने एक साथ जोड़ा था आठ मानचित्रों ने स्वर्ग की अंतिम चट्टान के निचले हिस्से को पूरी तरह से काट दिया जहां उन्हें उस रहस्यमय कोहरे के नीचे छिपी हर चीज़ दिखाई दी डार्क रीजन्स डार्क सम्राट की कब्र के आसपास जो खतरे पैदा किए थे वे पिछली बार आने पर उनके द्वारा अनुभव किए गए खतरों से कहीं अधिक थे नक्शे हाथ में होने के बावजूद उन्होंने उन पर जो देखा उससे अभी भी उनके पसीने छूट रहे थे नक्शे जितने अधिक विस्तृत थे उतना ही अधिक उन्हें एहसास हुआ कि डार्क सम्राट की कब्र कितनी खतरनाक थी उन्होंने पाया कि डार्क सम्राट की कब्र का सटीक स्थान खोजने में सक्षम होने से पहले वे खुद कल्पना नहीं कर सकते थे कि उस समय उनके माता पिता ने वास्तव में कितना बलिदान किया था डार्क सम्राट डार्क रीजन स्तंभ था और भले ही उसे कई साल हो गए हों डार्क डार्क रीजन अपने अद्वितीय और सर्वोच्च नेता के रूप में सम्मान देते हैं यह बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि अंधेरे क्षेत्रों के लोग अंधेरे सम्राट को श्रद्धा से रखते हैं जो पूजा में लगभग उन्मत्त था और जब अंधेरे सम्राट का पतन हुआ तो अंधेरे क्षेत्रों और रात के भीतर थोड़ी सी भी अराजकता नहीं भड़की थी डार्क सम्राट द्वारा बनाए गए शासन ने डार्क सम्राट के पास रहने के लिए डार्क सम्राट के पास मौजूद सभी खजाने को कब्र में भेज दिया ऐसा उदाहरण यदि यह किसी अन्य शक्तियों के साथ हुआ होता तो इसे प्राप्त करना असंभव हो सकता है रोम रो ने कहा उसकी आवाज़ बहुत भावुक थी चाहे वह कोई शासक हो या सर्वोच्च कोटि का कोई संप्रभु क्या उनके अधीनस्थ उनके निधन के बाद भी उतने ही वफादार रहेंगे किसी के लिए भी निश्चित रूप से जानना असंभव था अपने आदमियों को वास्तव में कुछ भी नहीं छिपाना और सब कुछ लेकर उन्हें गहरे भूमिगत दफन कर देना जबकि अनगिनत बाधाओं को पैदा करने और निर्माण करने के लिए कोई प्रयास और विचार नहीं छोड़ना आदमी का ऐसा करिश्मा और उसके लोगों का उसके लिए समर्पण नहीं था कुछ ऐसा जो संभवता एक औसत व्यक्ति के पास हो सकता है जब मैं बहुत छोटा था मैंने अंधेरे क्षेत्रों के बारे में काफ़ी किमदंतियाँ सुनी थी ऐसा कहा गया था कि डार्क सम्राट के पतन के बाद डार्क क्षेत्र अपने आप में वापस आ गए और उसके बाद मध्य क्षेत्र में ज्यादा नहीं चले वे किसी को भड़काने की पहल नहीं करते थे और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि उन्हें भड़का सके हालांकि डार्क सम्राट अब आसपास नहीं था डार्क सम्राट द्वारा स्वयं बनाई गई रात्रि व्यवस्था अभी भी डार्क क्षेत्रों में थी ऐसा कहा गया था कि रात्रि शासन के भीतर हर कोई अद्वितीय योद्धा है और उनमें से कोई भी बारह महलों के बुजुर्गों के बराबर हो सकेगा लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या यह सचमुच सच है दूसरों की बातें सुनकर चू तुरंत उत्तेजित हो गया रो ने सहमति में सिर हिलाया और उसकी निगाहें अवचेतन रूप से जून वो याओ की ओर मुड़ गई लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें फेर ली और उसने कहना जारी रखा यह सच है अंधेरे सम्राट की शक्ति ने मध्य क्षेत्र के भीतर सभी पर प्रभुत्व कायम कर लिया और उसके अधीन रात्रि शासन ने लोगों के दिलों में अनथीन भय पैदा कर दिया यह कहा गया था कि एक बार रात्रि शासन सक्रिय हो गया तो हर कोई पीछे हट जाएगा क्योंकि किसी ने भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं की बारह महलों द्वारा अंधेरे सम्राट की कब्र की खोज में इतना विवेकशील और गुप्त होने का कारण रात्रि शासन भी है रात्रि शासन केवल डार्क सम्राट के प्रति वफ़ादार है और अगर उन्हें पता चला कि बारह महलों ने डार्क सम्राट की कब्र पर अपनी नजरें जमा ली हैं तो वे निश्चित रूप से अपने कोकून से बाहर निकलेंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे मैं सोच रहा हूं कि बारा महल भी सीधे रात्रि शासन का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे रोंग रो ने कहा मध्य क्षेत्र में अंधेरे क्षेत्र अपने आप में एक अमर किमदंती थे और उस किमदंती के निर्माण के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति डाक सम्राट था एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे मध्य क्षेत्र में सभी को सम्राट घोषित करने के लिए अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया गल क्या आपको लगता है अगर डाक रीजन्स पता था कि हम डाक सम्राट की कब्र में घुस गए हैं तो क्या वे क्याओचू ने जोर से घूंट भरते हुए कहा और उसने अपनी गर्दन पर एक रेखा खींचने के लिए अपना हाथ उठाया बारह महलों का सामना करने से वे भयभीत नहीं थे लेकिन अगर यह रात्रि व्यवस्था होती हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम इस पर बहुत अधिक सोचने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं और हम जो भी कदम उठाते हैं उसमें सतर्क रहना चाहिए हुआ याओ ने आ भरते हुए कहा यदि यह संभव होता तो वे बिल्कुल भी रात्रि व्यवस्था का सामना नहीं करना चाहेंगे अदिति की नजर भी थोड़ी गहरी हो गई वह मध्य क्षेत्र को अच्छी तरह से नहीं जानती थी लेकिन क्याओचू और अन्य जो कह रहे थे उससे यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि रात्रि शासन कितना शक्तिशाली था जून वो याओ ने अदिति की परेशान अभिव्यक्ति को देखा और उसकी आंखों में एक फीकी मुस्कान चमक उठी ये मी और ये शाह किनारे पर चुपचाप खड़े थे अपने दिलों में गर्व की लहर को रोकने की कोशिश कर रहे थे आप सभी युवाओं आप में से किसी को भी अंधेरे क्षेत्रों या रात्रि शासन द्वारा आपसे बदला लेने के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको उसकी कब्र खोदने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद डार्क सम्राट ले जाएगा यहां तक कि अगर डार्क रीजन इसकी भनक भी लग गई तो भी उनमें से कोई भी आप सभी के साथ कुछ नहीं करेगा और अधिक से अधिक खुशी से लॉर्ड जू का डार्क डार्क रीजन और नृत्य के साथ स्वागत करेगा इसके अलावा लॉर्ड जू के साथ कब्र में खुदाई करने का तो जिक्र ही नहीं भले ही आप इसे पूरी तरह से खाली कर दें अंधेरे क्षेत्रों में कोई भी एक भी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं करेगा वे दो व्यक्ति जो इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानते थे उन्होंने इसके बारे में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की उन्होंने इसे अपने भीतर इतनी मजबूती से दबाए रखा कि उन्हें लगभग आंतरिक चोटें आईं। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनका लॉर्ड जो किस तरह की मानसिकता अपना रहा था जब उसने उनकी यंग मिस युवा साथियों को अपनी कब्र खोदने के लिए प्रेरित किया दोनों व्यक्ति अपने दिलों के भीतर भड़कती भावनाओं को दबाने के लिए अपना मुंह बंद रखने के अलावा कुछ नहीं कर सके थोड़े आराम के बाद हर कोई हेवंस एंड क्लिफ की ओर जाने के लिए घोड़ा गाड़ियों पर वापस चढ़ गया पलक झपकते ही पांच दिन बीत गए और जब वे एक बार फिर हेवेंस एंड क्लिफ पर आए तो यह पहले से बहुत अलग हो गया था घने जंगलों के बाद खड़ी और खड़ी चट्टान पर खून की घनी दुर्गंध हवा में तैर रही थी बग्गू इतनी घनी थी कि दम घुटने वाली थी क्योंकि बिखरे हुए खून से मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा लाल हो गया था चट्टान के किनारे पर लड़ाई की लगातार आवाज़ें आ रही थी और लाशें जमीन पर इधर उधर बिखरी पड़ी थीं तेज खूनी सुगंध से दौड़ते घोड़ों को खतरे का आभास हुआ और उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी गाड़ियों की गति धीमी हो गई और अदिति झपकी लगने के कारण जाग गई उसकी आंखें थोड़ी सी खुली और खून की घनी दुर्गंध तुरंत उसकी नाक तक पहुंच गई जिससे उसका चेहरा एक गहरी उदासी में सिकुड़ गया पहले से ही जाग गए ऐसा लग रहा था कि जून वो याओ ने बाहर कुछ भी नोटिस नहीं किया है लेकिन वह चेहरे पर मुस्कान के साथ अदिति को देख रहा था बाहर कुछ है अदिति ने कहा वह खूनी बदबू एक ऐसी गंध थी जो उसके लिए बहुत परिचित थी बस ये शाह और ये मे को इससे निपटने दो जून वो याओ ने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा हेवंस एंड क्लिफ के नीचे जाने के बाद उनके लिए आराम करने के ज्यादा अवसर नहीं होंगे और वह नहीं चाहते थे कि अदिति को आराम करने में कोई बाधा डाले ये शाह और ये मे जो गाड़ी के बाहर थे उनका आदेश मिलते ही स्थिति का पता लगाने के लिए तुरंत आगे बढ़ गए और उन्हें वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा लेकिन ये शाह के चेहरे के भाव ऐसे लग रहे थे जैसे उस पर लगभग बर्फ की परत जम गई हो बारह महलों के दो अलग अलग गुट सामने से लड़ रहे हैं ये मैंने उदासीनता से सूचना दी बारह महल जून वो याओ की आंखें तुरंत बर्फ में बदल गई और उसके के कोने ठंडी मुस्कान में बदल गए क्या तुमने देखा कि वे कौन से दो महलों से थे बारह महलों का जिक्र सुनकर अदिति की आंखें भी ठंडी हो गई थी बारह महल इस समय डार्क सम्राट की कब्र की खोज कर रहे थे और हेवंस एंड क्लिफ का स्थान पहले ही उजागर हो चुका था भले ही उनके पास नक्शा हो या न हो महल अपने लोगों को हेवेंस एंड क्लिफ की आगे की जाँच के लिए भेजेंगे क्या हड्डियों के असंख्य ढेर जो साथियों ने पहले देखे थे समान उद्देश्य वाले लोगों द्वारा पीछे नहीं छोड़े गए थे ये मैं एक पल के लिए चुप हो गया क्योंकि उसने ये शा पर नजर डाली जो अजीब तरह से प्रतिक्रिया कर रही थी इससे पहले उसने कहा एक पार्टी सभी जीवन का महल है और दूसरी फ्लेम डेमन्स पैलेस है जैसे ही तीन शब्दों फ्लेम डेमन्स पैलेस का जिक्र आया अदिति का दिल जोर से उछल पड़ा फ्लेम डेमन्स पैलेस क्लाउडी पीक्स में क्या वे दो व्यक्ति जो उससे उसकी रिंग स्पिरिट छीनना चाहते थे फ्लेम डेमन्स पैलेस से नहीं आए थे उस घटना के बारे में कहा जा सकता है कि वह अपने पुनर्जन्म के बाद अदिति के लिए सबसे भयानक ठोकर थी उसे मध्य क्षेत्र की शक्ति का पहला स्वाद मिला था जिसकी वजह से क्लाउडी पीक्स में उसकी जान लगभग चली गई थी इसके अलावा उस समय की ये शाह ने अपनी रक्षा के लिए परम बलिदान का प्रदर्शन करते हुए आत्मदाह कर लिया था अदिति को अब समझ आया कि ये शाह का चेहरा इतना ठंडा क्यों हो गया था छोटी अदिति क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें याद आया हो जून वु ने अदिति की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया फ्लेम देमंस पैलेस शब्द ने भी उन पर गहरी छाप छोड़ी थी अदिति ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसके हाथ मुठ्ठियों में बंद गए अचानक उसके कसकर भीचे हुए हाथ एक गर्म हाथ से लिपट गए जो उसके ऊपर बंद हो गया इससे निपटने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो जून वु याओं की आवाज उसके कान के एक तरफ से सहलाती हुई सुनाई दी अदिति ने जून वु याओं की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया मैं समझता हूँ की छोटी अदिति बदला लेना चाहती है लेकिन चूंकि हम हेवेंस एंड क्लिफ के नीचे जाने ही वाले हैं तो आपको उन जैसे कचरे पर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी चाहिए जून मुओं ने बेहद सौम्य स्वर में मना लिया और अपने दूसरे हाथ से अदिति के सिर को धीरे से सहलाया मैं इसे स्वयं करना चाहता हूँ अदिति ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा क्लाउडी पीक्स पर उसने जो अपमान सहा था वह आज तक नहीं भूला है यदि ये शाह ने अंत उस समय आत्मविस्फोट करने का निर्णय नहीं लिया होता तो उस दिन बादलों वाली चोटियों पर मरने वाली उसकी ही होती उस समय मध्य क्षेत्र के लोगों की नज़र में वह महज एक कीड़े से ज़्यादा कुछ नहीं थी लेकिन अब चीजें बहुत अलग थी वह उस कर्ज का भुगतान चाहती थी हालाँकि जून वु ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा अच्छे बनो इस बार मुझे यह करने दो अदिति ने हैरानी से जून वु को देखा यह पहली बार था कि जून वु उसे खुद ऐसा न करने के लिए मना रही थी को देखते ही जून वो याओ दो छोटे अर्धचंद्रों में सिमट गया और उसने उदासीन स्वर में कहा छोटी अदिति के तरीके अभी भी बहुत कोमल है जिन लोगों ने एक बार तुम्हें नुकसान पहुंचाया था मैं नहीं चाहता कि वे इतनी आसानी से खम हो जाए इसके अलावा मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि आपने अपने हाथों से जो जहर तैयार किया है उसे ऐसे लोग ग्रहण करें यह बहुत अधिक बर्बादी होगी भले ही यह जहर था जब तक कि यह उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया गया था वह इसे निगलने के लिए सबसे अधिक इच्छुक होगा और फ्लेम देमंस पैलेस के कीड़ों के झुंड को वह विलासिता नहीं देगा अदिति अचंभित रह गई जहां तक उसे याद है वह यह कहने वाला पहला व्यक्ति था उसके तरीके बहुत कोमल थे जून वो याओं के मन को बदलने में असमर्थ अदिति ने अंत सहमति में सिर हिलाया जून वो याओं ने उसके माथे पर एक हल्का चुंबन छोड़ा और वह तुरंत उस स्थान से गायब हो गया जहां वह था जैसे ही ये शाह और ये में दो क्षणभंगुर तेज चमक में बदल गए जो तेजी से सामने आए कियाओचू और अन्य जो अपनी घोड़ागाड़ी से बाहर आए थे उन्होंने ये शाह और जून वु याओं की बातचीत सुनी और कियाओचू और हुआ याओं के चेहरे तुरंत बदसूरत हो गए उस समय क्लाउडी पीक्स में जो कुछ भी हुआ था वह बहुत भयानक था क्या चल रहा है फैन जूओ ने लिटिल जू को गाड़ी से नीचे ले जाते हुए पूछा छोटे जू ने अभी जमीन को छुआ ही था कि उसने देखा कि जून वो याओ अदिति के साथ नहीं है और उसके छोटे पैर तुरंत अदिति की ओर तेज़ी से बढ़ने के लिए खुल गए और एक छलांग के साथ अदिति की कमर पर खुद को पकड़ लिया एक नरम और मनमोहक आवाज में पुकारने के लिए लिटिल बिग फैन जुओ के अलावा सभी के चेहरे बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे और फैन जुओ को तुरंत पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है स्वर के अंत की चट्टान पर बारह महलों के लोग हैं फियान ने दांत पीसते हुए कहा रास्ता हमेशा दुश्मनों के बीच संतरा होता है मुझे आश्चर्य है कि क्या वे दो बदमाश भी वही हैं जिनसे हम क्लाउडी पीक्स में मिले थे अगर वे हैं तो मैं वास्तव में उस अपमान का बदला लेना चाहूंगा जो हमने पहले सहा है चू ने कहा और उसने अपनी मुठ्ठिया इतनी कसकर भींच ली की उनसे चटचट की आवाज आ रही थी हालांकि वे जीवित रहने में कामयाब रहे थे लेकिन उनकी जान ये शाह के जीवन के बलिदान से ही बच पाई थी हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये शाह कैसे पुनर्जीवित हो गई थी लेकिन एक आदमी के लिए कायरतापूर्ण जीवन जीने के लिए किसी और की पीठ के पीछे छिपना उनके लिए पूरी तरह से असहनीय अपमान था यहाँ क्या हो रहा है फैन जुओ ने और अधिक भ्रमित होते हुए पूछा फी यान और रोमरोओ को उस मुठभेड़ के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से पता था कि अदिति क्याओं चू और हुआ याओ की क्लाउडी पीक्स में मुलाकात हुई थी लेकिन फैन झुओ को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था अब जब वे फ्लैम डेमन्स पैलेस के लोगों से मिले तो रोम रो ने बताया कि फैन झुओ के साथ पहले क्या हुआ था फैन झुओ का चेहरा तुरंत गुस्से से विकृत हो गया बारह महल वास्तव में और अधिक साँसी होते जा रहे हैं नौ मंदिरों और बारह महलों के बीच संबंध हमेशा सूक्ष्म रहे हैं और चार पक्षों ने हमेशा खुद को संघर्ष से अलग कर लिया है जब डार्क रीजन मध्य क्षेत्र के मामलों में शामिल होना बंद कर दिया तो जो लोग इसके बारे में सबसे ज्यादा खुश थे वे थे बारह महल सोच रहे थे कि वे सब कुछ नियंत्रित करने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं फेयान ने कहा उसकी आवाज में एक ठंडा उपास था जैसे ही युवाओं ने अपनी बातचीत जारी रखी उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि लिटिल जू जिसे अदिति ने अपनी बाहों में ले रखा था वह भी उन्हें देख रही थी उनके हर एक शब्द छोटे लड़के के कानों में तैर रहे थे और उसकी लाल आंखें अचानक एक अजीब सी चमक से चमक उठी चमक छोड़े बड़े भाई दर्द हो रहा है लिटिल ज्यू ने अदिति की ओर शोपूर्वक देखते हुए अपना सिर उठाया अदिति ने उत्तर दिया अब दर्द नहीं होता लिटिल ज्यू ने अपना सिर नीचे कर लिया और यह ज्ञात नहीं था कि वह क्या सोच रहा था उसकी आत्मा पूर्ण नहीं थी और क्या वह रोमरो द्वारा कही गई सभी बातों को पूरी तरह से समझने में सक्षम था यह एक और सवाल था हेवेंस एंड क्लिफ के शीर्ष पर दो गुट लड़ाई में लगे हुए थे और पर्पल स्पिरिट्स की रोशनी से हवा जगमगा रही थी खून की दुर्गंध और भी घनी होकर फैलती गई दोनों तरफ से मौतें हुई लेकिन चाहे उनमें से कितने भी गिरे भीषण युद्ध के मैदान में होने के कारण उनका रुकने का कोई इरादा नहीं था फ्लेम डेम्स पैलेस के आप लोग बहुत अपमानजनक हैं। क्या आपको लगता है कि पैलेस ऑफ फॉर्न लाइफ में कोई नहीं बचा है एक आदमी जिसे तार के प्रहार से पीछे धकेल दिया गया था वह अपनी छाती को पकड़कर काफी पीला दिख रहा था उसकी आंखें उसके सामने भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी को घूर रही थी भूरे रंग का लबादा पहने आदमी अपनी बाहें पीठ के पीछे करके खड़ा था उसकी ठंडी निगाहें तिरस्कार से भरी हुई थी भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी के पीछे खड़े हरे कपड़े पहने एक आदमी ने उपहास के साथ कहा चाहे आपके पास कितने भी लोग हो बस हमारे पास आए फ्लेम डेमन्स पैलेस आपसे नहीं डरेगा फ्लेम डेमन्स पैलेस और पैलेस ऑफ ऑल लाइफ के लोगों के दो समूहों ने हेवंस एंड क्लिफ पर एक दूसरे का सामना किया था और उनका उद्देश्य स्पष्ट था पैलेस ऑफ ऑल लाइफ के लोगों ने सोचा था कि विरोधी पक्ष उनकी तरह इस घटना को तूल नहीं देना चाहेगा और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिलते ही फ्लेम डेमन्स पैलेस के लोग उन पर तुरंत हमला कर देंगे उन्होंने जमकर हमला किया हर चीज ने घातक हमला किया पैलेस ऑफ ऑल लाइफ के उन लोगों को पकड़ लिया जो पूरी तरह से तैयार नहीं थे क्योंकि वे खुद को बचाने के लिए हाथापाई कर रहे थे उनके लिए स्थिति और भी बदतर यह थी कि फ्लेम डेमंस पैलेस का भूरे रंग का वस्त्रधारी व्यक्ति भयानक रूप से शक्तिशाली था दोनों अलग अलग पार्टियों में लोगों की संख्या समान थी और उनकी कुल ताकत लगभग समान थी लेकिन फ्लैम डेमंस पैलेस में भूरे रंग के कपड़ों में एक विस्फोटक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति था और केवल अपनी शक्ति के साथ उसने पैलेस ऑफ ऑल लाइफ से कई लोगों को खत्म कर दिया था इसने पैलेस ऑफ ऑल लाइफ के लोगों को रक्षात्मक स्थिति में धकेल दिया था अपने लोगों की घटती संख्या को देखकर पैलेस ऑफ ऑल लाइफ के पार्टी नेता अधिक चिंतित होने लगे थे ओ यदि यह सच नहीं है कि आपके साथ आपका कोई बुजुर्ग है तो क्या आपको लगता है कि आप हमें रोक पाएंगे हरे कपड़े पहने उस आदमी ने भौहे ऊपर उठाई और उस आदमी को देखा जिसका चेहरा अधिक से अधिक पीला पड़ रहा था और हंसते हुए कहा आप इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते बल्कि अपने लोगों के करीब न होने के लिए अपने ही बड़े को दोष दे सकते हैं एल्डर हुई वास्तव में फ्लेम डेमंस पैलेस में हमें से प्रत्येक की परवाह करते हैं और इस तरह की महत्वपूर्ण बात के लिए वह स्वाभाविक रूप से हमारे साथ यहाँ आए थे पैलेस ऑफ ऑल लाइफ का आदमी हरे कपड़े पहने उस आदमी को घूरता रहा चाहता था कि वह छलाम लगाकर उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दे हालांकि पैलेस ऑफ ऑल लाइफ और फ्लेम देम्स पैलेस वास्तव में सहयोगी नहीं है लेकिन हम कभी भी एक दूसरे के प्रति शत्रु नहीं रहे हैं एल्डर हुई अचानक हम पर इतना दुर्भावनापूर्ण हमला क्यों कर रही है वह केवल यही आशा कर सकता था कि वह एल्डर हुई को समझाने में सक्षम होगा क्योंकि यदि इस लड़ाई को अंत तक चलने दिया गया तो वे निश्चित रूप से पूरी तरह से हार जाएंगे बुजुर्ग हुई ने उस आदमी को उदासीनता से देखा और एक शब्द भी नहीं कहा ऐसा लग रहा था कि वह उस आदमी पर अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकता इसके बजाय हरे कपड़े पहने वह व्यक्ति हंसते हुए बोला कभी शत्रुतापूर्ण नहीं रहे क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हम इसे नहीं जानते जब पैलेस ऑफ ऑल लाइफ को डार्क सम्राट के मकबरे का स्थान नहीं मिल सका तो आपने उनके हाथों में मौजूद अन्य सात महलों के नक्शे छीनने के लिए हर तरह से योजना बनाई थी यह देखा गया है कि इन हाल के वर्षों में पैलेस ऑफ ऑल लाइफ सक्रिय रूप से निचले दायरे में घूम रहा था पैलेस ऑफ ऑल लाइफ का वह आदमी सदमे में आ गया और उसकी आंखों में अपराध बोध की हल्की सी झलक आ गई डार्क सम्राट की कब्र को ढूंढना बहुत कठिन था और शुरुआत में उन्होंने जिन कई कुलीन लोगों को यहाँ भेजा था वे बिल्कुल भी वापस नहीं लौटे थे लेकिन उनमें से सात अन्य महलों ने डार्क सम्राट के मकबरे के नक्शे का एक हिस्सा अपने लिए हासिल कर लिया था और इसने पैलेस ऑफ़ ऑल लाइफ पर बहुत दबाव डाला था बारह महलों के पास काफी हद तक समान शक्ति थी और वे हमेशा आमने सामने थे लेकिन उनके बीच के सभी विभिन्न महलों ने बारह महलों पर आधिकारिक शक्ति कायम करने की चाहत में हमेशा उस स्थिति को उलटने की कोशिश की थी और अंधेरे सम्राट के मकबरे के भीतर दबे हुए खजाने और जादुई कलाकृतियां उन सभी के लिए एक ऐसा मौका होगा हालांकि पैलेस ऑफ ऑल लाइफ के लिए ऐसा करना अप्रत्याशित नहीं होना चाहिए लेकिन आपने जो भी अवांछनीय चीजें की उनमें से आपको वास्तव में हमारे फ्लेम डेमंस पैलेस के खिलाफ जाने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए था हरे कपड़े पहने उस आदमी ने अचानक आंखों में चमक लाते हुए कहा तुम्हारा इससे क्या मतलब है पैलेस ऑफ ऑल लाइफ के व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा हरे रंग के कपड़े पहने व्यक्ति ने तब कहा फ्लेम डेमन्स पैलेस ने नक्शे का हमारा हिस्सा निचले क्षेत्र में किंग यू कबीले को सौंप दिया था लेकिन किंग यू कबीले को अचानक पलक झपकते ही किसी ने मिटा दिया फिर हमें पता चला कि वहां जो तरीका अपनाया गया था उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पैलेस ऑफ ऑल लाइफ द्वारा उनके जहर का उपयोग करने के बाद होगी क्या आप सचमुच सोचते हैं कि उसके बाद हमें कुछ भी करने का साहस नहीं है आपने फ्लैम डेम्स पैलेस की संपत्ति को जब्त करने का साहस किया और फिर आपको इसके लिए अपने जीवन से भुगतान करना तय है उस दिन हरे कपड़े वाला व्यक्ति और एल्डर हुई बादल वाली चोटियों की ओर बढ़ रहे थे और उन्होंने किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी जिसके कारण उस समय उनके पास मध्य क्षेत्र में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वे एक बार फिर क्लाउडी पीक्स पर आए तो उन्हें पता चला कि उनका चुना हुआ मोहरा किंग यू कबीला बेहद कम समय में पूरी तरह से नष्ट हो गया था जहां किंग यू कबीले के हर एक शिष्य को जहर दिया गया था फ्लेम डेमंस पैलेस ने शुरू में किंग यू कबीले का चयन किया था क्योंकि किंग यू कबीले निचले क्षेत्र में एक अत्यधिक स्थिर और सम्मानित शक्ति थी वे उस समय अडिग लग रहे थे लेकिन किंग यून कबीले का अचानक सफाया हो गया और किंग यून कबीले के पास जो नक्शा उन्होंने छोड़ा था वह गायब हो गया था फिर किसी को यह पूछना चाहिए कि किंग युन कबीला सबसे गतिष्ठित कबीला है जो चिकित्सा में विशेषज्ञता रखता है निचले दायरे में कौन उन्हें इस तरह पूरी तरह से मिटा सकेगा बारह महलों में पैलेस ऑफ ऑल लाइफ के अलावा जो जहर के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था वे किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते थे किंग यून कबीले को पूरी तरह से मिटा देना कोई ऐसी उपलब्धि नहीं थी जिसे निचले क्षेत्र का कोई व्यक्ति कर सकता था और फ्लेम देमंस पैलेस ने तुरंत सभी जीवन के पैलेस पर अपनी नजरें गड़ा दी थी अब जब वे उनसे मिल चुके हैं तो वे संभवतः इन लोगों को पैलेस ऑफ ऑल लाइफ से रहने की अनुमति कैसे दे सकते हैं पैलेस ऑफ ऑल लाइफ का वह आदमी अपनी आंखें चौड़ी करके और अपना मुंह अविश्वसनीय रूप से खोलकर देख रहा था उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी यदि वास्तव में पैलेस ऑफ ऑल लाइफ का नक्शा मिल गया होता तो यह कैसे संभव हो सकता था कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा यह स्पष्टता एक ग्लफमी थी हालांकि जैसे ही वह समझाने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था लोगों के दो समूहों के बीच अचानक एक लंबा और पतला व्यक्ति प्रकट हुआ